भाई आप यूके पीएससी क्यों नहीं जा रहे हो? आप यूके SSSC गए, आपने गृह विभाग में मैडम राधा रतूड़ी से मुलाकात की, लेकिन आप यूके पीएससी क्यों नहीं जा रहे हो? तो दोस्तों यूके पीएससी जरूर जाएंगे। मेरी फेसबुक आईडी को डिलीट कर दिया गया था, मैं उससे थोड़ा अपसेट था। कुछ दिन बहुत सारे संघर्ष किए, इधर उधर देखा, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली एक नया पेज बनाया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। इस बीच बीच में हम और भी जा रहे थे, बारिश हो गई, बारिश के कारण नहीं जा पाए, लेकिन हमने जो है उम्मीदें नहीं छोड़ी थी। और इसके बाद हम गए सचिवालय में, शैलेश बगोली जी हैं, कार्मिक सचिव हैं, कार्मिक के सचिव हैं, उनसे मिलने गए हम। और वहां पर भी हमने तमाम मुद्दों को उठाया, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भर्ती उम्र सीमा को लेकर उठाया हमने, पुलिस कांस्टेबल में वेटिंग का मुद्दा उठाया। इसके अलावा हमने अब तमाम मुद्दे उठाए वहां पर, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से साफ कह दिया था, शैलेश बगोली जी ने, कि आप राधा रतूड़ी मैम से मिलिए, वो इसकी ज्यादा जानकार हैं, उनके डिपार्टमेंट के पूरे इश्यू हैं। तो हम उस दिन भी जो है मैडम राधा रतूड़ी से मिलने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो मुख्यमंत्री से मुलाकात थी उनकी और वो निकल गई वहां से। इसके बाद दोस्तों कल आज जो है शनिवार रविवार हो गया, कल शनिवार था, आज रविवार है, फिर सोमवार है, कल ही कल का दिन है, ऐसे में फिर 15 अगस्त भी आ रहा है। तो 16 अगस्त को हमने ठाना है कि 16 अगस्त को हम उत्तराखंड गृह विभाग से मिलेंगे, और उत्तराखंड गृह विभाग के अंडर जो भी भर्तियां हैं, जितनी भी भर्तियां उत्तराखंड गृह विभाग के अंडर, उन तमाम मुद्दों पर हम वहां पर मैडम के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। और बेरोजगारों के पॉइंट जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो वेटिंग से सिलसिले हों, चाहे वो कुछ भी हो, वो हम मैडम के समक्ष रखेंगे 16 अगस्त को। ये तारीख आप नोट कर लीजिए। आप लोगों के जो भी सवाल है, अगर वो गृह विभाग के अंडर वो भर्ती आती है, मैडम राधा रतूड़ी के अंडर अगर वो भर्ती आती है, तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से वो बता सकते हैं, ताकि हम वो सवाल वहां पर पूछें। ठीक है, रही बात दोस्तों भर्ती की, तो आज से अगर आप मेरा लाइव का वीडियो देखेंगे, आज से शायद 1.5-2 महीने पहले अगर आप मेरा लाइव का वीडियो देखोगे, तो मैंने साफ कह दिया था, मैंने सबसे पहले ये जानकारी दे दी थी आप लोगों को कि उत्तराखंड में UK SSSC के पास VPDO VDO के पद जा चुके हैं और वो भर्ती निकालने वाला है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप ऐसे ही कह रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आप तमाम अखबार देखो, आप UK SSSC के अध्यक्ष को सुनिए। जब मैंने वो वीडियो डाला था, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, और आज आपके सामने वो सारे पद आने वाले हैं वीडियो VPDO के। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन जो है अभी नहीं हुआ है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आगे और भी ज्यादा जानकारी मैं देने वाला हूं, आगे और भी ज्यादा मैं जानकारी देने वाला हूं, लेकिन अभी पता माहौल क्या है उत्तराखंड का, अभी प्रदेश का माहौल ये है कि लगभग सारे बच्चे जो टैलेंटेड थे, जो पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो चुका है बहुत सारी भर्तियों में। BDO VPDO हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, बंदी रक्षक हो गया, आपका ये फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका जो है इसके अलावा सचिवालय रक्षक हो गया, है ना, आपका इसके अलावा जो है तमाम जो भर्तियां आई हैं इससे पहले, पटवारी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, इन तमाम भर्तियों में जो एक तरह से 4-5 साल की जो जनरेशन थी ना, जो पढ़ाई में टैलेंटेड थी, ऊपर थी, जो जनरेशन थी, उस जनरेशन का एक तरह से सिलेक्शन हो चुका है। और अब आप लोगों के पास जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये जो खेप है नीचे वाली, अभी जो 1 नंबर से रुक रही थी, 2 नंबर से रुक रही थी, 3 नंबर से रुक रही थी, या फिर 10 नंबर से ही रुक रही थी, वो खेप अब मुझे लगता है उसके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऊपर आने की। आप मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे, मैं उन भर्तियों की बात कर रहा हूं जो पिछले 3-4 साल से लटकी थी, अटकी थी, और अब उनको जो है ज्वाइनिंग अब धीरे धीरे करके मिलने लगी है। अब उन भर्तियों पर क्या होगा, अब जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है सिलेक्शन पाने का, क्योंकि 3-4 साल से जो खेप थी, जो सिलेक्शन नहीं पा रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे,
अब वो अपनी भर्तियों की तैयारी, अब वो जो अपनी जॉब में जाएंगे और ये जो नई खेप है ये अब अपनी तैयारी शुरू कर सकती है बेहतरीन तरीके से। तो अच्छा मौका है, कभी भी जीवन में उदास नहीं होना है, हमेशा ये समझो कि भाई मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आएगी, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर आएगी आपके पास। मैं आपसे कह दूं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि भैया हाँ, तो अभी इस कमेंट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं कि मैंने कह दिया था कि मैंने सबसे पहले जानकारी शायद आप लोगों को दी थी कि वीडियो वीपीडियो के पद आने वाले हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था, हमने आपसे ये भी कहा था कि उत्तराखंड में आबकारी बर्तन सिपाही की भर्ती आने वाली है, उसका भी आपने देख लिया होगा। हमने आपसे ये भी कहा था कि कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती आने वाली है, नई भर्ती न्यू वैकेंसी, उसका भी आपने अखबारों में देख लिया होगा, आयोग के अध्यक्ष के मुंह से भी सुन लिया होगा। तो ये जानकारी सबसे पहले मैंने आपको पहुंचाई थी ताकि आप लोग जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उन तक ये जानकारी पहुंच जाए पहले ही कि भाई भर्तियां आने वाली हैं और यूके ट्रिपल एससी करा रहा है। ठीक है, आज मैं यूके पीएससी की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां हम जरूर जाएंगे, 16 को पहले गृह विभाग में जाएंगे, उसके बाद हम यूके पीएससी जाएंगे। वहां पर आरओ एआरओ बहुत दिनों से फंसा हुआ है, वहां पर प्रवक्ता फंसा हुआ है, वहां पर जो है अभी ज्वाइनिंग फंसी है, पटवारी की ज्वाइनिंग फंसी है, वहां पर अभी जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका फिजिकल की डेट आ चुकी है हालांकि, लेकिन वो भी एक तरह से फंसा हुआ है। वहां पर अभी कनिष्ठ सहायक का जो 445 वाला था वो अभी फंसा हुआ है, उसका अभी तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो वहां पर अभी बहुत सारी चीजें फंसी हैं, तो इतनी सारी चीजें हो गई। मैं सिर्फ यूके ट्रिपल एस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और जो लोग अपसेट हैं कि भाई क्या होगा, नहीं आएगी भर्ती, ये नहीं होगा वो, उनके लिए मैं बता दूं कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने आज से 1.5 महीने पहले बता दिया था कि कौन कौन सी वैकेंसी जो है यूके ट्रिपल एस सी के अंडर है जो आ सकती है, और अब एक बार फिर मैं वही कहना चाह रहा हूं। दूसरा, पुलिस कांस्टेबल की बहुत कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, पुलिस कांस्टेबल को लेकर भी मैंने आपसे कहा है कि उम्र सीमा को लेकर मुख्यमंत्री ने भाई हमसे कहा था